झारखंड चुनाव भाजपा की करारी हार अब तय हो गई है। ताजा रुझानों के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनना तय हो गया है। राज्य में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और हेमंत सोरेन का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो भाजपा को 30, कांग्रेस और जेएमएम को 41 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबर झारखंड से नहीं आ रही है, जबकि कांग्रेस प्लस के लिए अच्छी खबर मिल रही है। सत्ता में वापसी भाजपा झारखंड में नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सरकार बना रही हैं। हेमंत सोरेन का सीएम बनना तय हो गया है झारखंड में। अभी तक के जो रुझान आए हैं और अब धीरे धीरे करके जो नतीजे हैं वो भी डिक्लेयर होने लगे हैं, और उसके मुताबिक झारखंड से राहत नहीं है भाजपा को। कोई अच्छी खबर नहीं झारखंड से भाजपा को, बुरी खबर है भाजपा के लिहाज से, जबकि कांग्रेस और जेएमएम के लिए बेहद ही अच्छी खबर सामने आ रही है। रुझानों में जेएमएम कांग्रेस 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और भाजपा के खाते में सिर्फ 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनकर जेएमएम उभर रही है और इसी के साथ ये भी तय हो जाता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अगले झारखंड के। रघुवर दास जो कि भाजपा से प्रत्याशी भी हैं और मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो अपनी साख नहीं बचा पाए हैं, यानी भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है झारखंड में। तो ये अच्छी खबर नहीं, अच्छे संकेत नहीं भाजपा के लिए। वहीं कांग्रेस और जेएमएम की बात करें तो 43 सीटों पर अभी तक दोनों ने बढ़त बनाई हुई है, यानी 43 सीट्स जो है वो कांग्रेस प्लस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। टोटल 81 सीट हैं, जिनमें से 28 सिर्फ भाजपा अपने कब्जे में कर पा रही है, जबकि 43 सीटें कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और जेएमएम के खाते में जा रही हैं, जबकि जेवीएम 3 सीटें, आजसू 3 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तय है कि अब कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है वो झारखंड में बनेगी। और देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे नतीजे अब डिक्लेयर हो रही हैं, वैसे वैसे जो खुशी है लोगों में वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कांग्रेस और जेएमएम। आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, कांग्रेस के सभी जो राज पे नजर लगाए हुए थे, जो प्रभारी के रूप में थे, कार्यकर्ता के रूप में थे, सभी दलों के लोगों को भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा। एक नया अध्याय शुरू होगा इस राज के लिए, और इस राज के लिए यह अध्याय, ये वक्त जो होगा, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि ये समय ऐसा आज दिन भर का बिता कि आज हमारे गठबंधन साथी अभी हमारे साथ नहीं हैं, और बहुत लोग असेंबल भी हो रहे हैं, और बहुत जल्द आगे की रूपरेखा के विषय में हम लोग गठबंधन दल मिलकर बैठकर तय करेंगे कि आगे की रणनीति, आगे की कार्रवाई कैसी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।